मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ना, मैं बिल्कुल बोल दूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं आज सीआईईटी एनसीईआरटी की ओर से एक विशेष पेशकश, जिसको कि हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के उपलक्ष्य में। हम सभी जानते हैं कि 23 सितंबर का दिन जो है दुनिया भर में सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारे पिछले वर्ष ही अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है शिक्षा के क्षेत्र में कामों में, उसके जरिए आज एक हम महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है सभी के लिए समतामूलक और समावेशी शिक्षा भारतीय सांकेतिक भाषा के संदर्भ में, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल इंडियन साइन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। तो ये हमारा आज का खास विषय है। हमारे साथ पैनलिस्ट काफ़ी हैं, जुड़ेंगे भी, और सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी से। आप डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं NIOS में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा में आप डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर राजीव कुमार सिंह सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे साथ अपने कार्यालय से जुड़े हुए हैं, और ये इस बात का द्योतक है कि हम एक डिजिटल एज में हैं और यहाँ से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और 2020 का जो पूरा साल है वो एक चुनौतीपूर्ण साल था, और उस चुनौती को हमने न सिर्फ स्वीकारा बल्कि उसका ऐसा सामना किया कि हम बहुत साल आगे पहुँच गए। यही बात हमें आज इस इंडियन साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी करनी है, और इस विषय को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ एक और शख्सियत हैं, डॉक्टर भारती कौशिक। आप जो है हेड हैं DICT और CIET NCERT में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। भारती जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोगों का जो भी चर्चा होगा, जो भी हम विषय वस्तु की हम यहाँ बात करेंगे, उसका आप इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आपको ये जो इंटरप्रिटेशन दिखाई दे रहा है, मिस अनु गौतम इंटरप्रेट कर रही हैं इसे। अनु जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव सर, सबसे पहले आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। आप NIOS से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था जो विश्व में सबसे बड़ी है संभवतः, और इसके जो काम हैं वो भी दूर दूर तक जाने जाते हैं। हम आज बात कर रहे हैं सांकेतिक भाषा की, तो इस क्षेत्र में NIOS क्या कर रहा है, अपने जो कार्य आपकी टीम ने किए हैं उससे हमें अवगत कराएं, ताकि हमारा जो आज का ये सेलिब्रेशन है, ये जो हम दिवस मना रहे हैं, इसकी जो सार्थकता है वो सिद्ध हो सके NIOS के माध्यम से। हम सबको लेके आए हैं, और आज अंतरराष्ट्रीय जो सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उस पर भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रचार और प्रसार में जो NIOS है या NCERT है और ऐसी जो तमाम संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, वो हम सभी साझा मंच पे अपने अपने यहाँ विचार को साझा करें। मैं कुछ तथ्य आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भारतवर्ष की जो कुल आबादी का लगभग 2,68,00,000 दिव्यांग जन है हमारे देश में, और ये जो इतनी बड़ी जो तादाद है, जो 2,68,00,000 जो दिव्यांग जन है, उनमें 70,00,000 जो है वो डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, मुंह पर बधिर
जो बालक और बालिकाएं हैं, और ये जो 2,68,00,000 जो इतनी बड़ी आबादी है जो दिव्यांग जन का है, उसमें से जो 5 वर्ष और 19 वर्ष के बीच में जो स्कूल जाने वाले हैं वो लगभग 2.25 करोड़ है। तो अगर हम इससे एक हम अगर निष्कर्ष तक पहुंचने का अगर हम प्रयास करें तो 70 लाख लगभग जो मूक और बधिर बालक बालिकाओं की जो आबादी है उसका लगभग 50% यानी 35 लाख जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग दे फॉल इन द एज ब्रैकेट ऑफ स्कूल गोइंग, वो इतनी बड़ी तादाद है। जो यूडाइस का जो डेटा है 2016 और 17 का जो डेटा है वो कहता है कि लगभग 15 लाख विद्यालय हैं, लेकिन इन 15 लाख विद्यालय में केवल 13,000 विद्यालय ऐसे हैं दोस विच आर केटरिंग द लर्निंग रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये जो इतना बड़ा तादाद है उनको 13,000 जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो स्कूल हैं वो कैसे केटर करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इस चीज को समझा है और उन्होंने एनआईएस को ये मैंडेट भी दिया है कि जो डेफ और जो हार्ड ऑफ हियरिंग जो बच्चे हैं जो उनकी लर्निंग रिक्वायरमेंट है उस लर्निंग रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए जो प्राथमिक स्तर पे हो या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पे हो उनमें ज्यादा से ज्यादा जो है लर्निंग कंटेंट का निर्माण किया जाए। उसी दिशा में एनआईएस ने एक छोटा सा प्रयास किया है और हम लोगों ने भारतीय सांकेतिक भाषा को एक भाषा के रूप में सेकेंडरी लेवल पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, इस एकेडमिक सेशन से इंट्रोड्यूस हुआ है और मुझे ये आप सबसे साझा करने में खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री महोदय ने खुद भारतीय सांकेतिक भाषा का इनॉग्रेशन पिछले महीने किया है। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ ही हमने 7 विषय जो हमारे हैं जो माध्यमिक स्तर पे है सेकेंडरी लेवल पे है उनको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है इंडियन साइन लैंग्वेज में और सीनियर सेकेंडरी में भी 7 भाषाओं को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है ताकि वर्टिकल मोबिलिटी का प्रोविजन सिस्टम में रहे। अगर बच्चा वो ग्रेजुएट करता है सेकेंडरी से तो उन विषयों में वो सीनियर सेकेंडरी में भी वो जो विषय है उस विषय को वो बच्चा जो है मूक और बधिर छात्र है वो उसको ऑप्ट कर सकता है। साथ ही हम काम भी कर रहे हैं हमारे जो माध्यमिक जो प्राथमिक स्तर पे जो हमारे विषय हैं उनको भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंडियन साइन लैंग्वेज में और अगले 5-6 महीने में हम लोगों को ऐसा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इसके साथ साथ ही एनसीईआरटी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम भी काम कर रहे हैं, हम भारतीय सांकेतिक भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रहे हैं। उस स्टैंडर्डाइजेशन में हमने कई प्रांतों को चुना है तो हमने पिछले वर्ष कोची में हम लोगों ने 5-6 दिन का एक कार्यशाला का आयोजन किया था। उस कार्यशाला पे हम लोगों ने कुछ सार्थक प्रयास करने का चेष्टा किया है कि किस तरह से हम भारतीय सांकेतिक भाषा को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सके। उसी तरह से हम लोगों ने जमशेदपुर में भी किया है, अभी अगले महीने हम एक मिजोरम में करने जा रहे हैं और हम जम्मू एंड कश्मीर में भी करने जा रहे हैं। तो हम उस दिशा में भी एनआईएस कार्य कर रहा है कि भारतीय सांकेतिक भाषा को किस तरह से एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज के रूप में विकसित किया जा सके जी। साथ ही जो इंडियन साइन लैंग्वेज की एक डिक्शनरी भी हम लोगों ने बनाई है और अभी हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, ऑलरेडी द वर्क इज गोइंग ऑन कि सॉफ्ट स्किल्स और हाउ टू फर्दर इंश्योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टू द डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग कम्युनिटी। तो हम लोग उनके लिए एक कस्टमाइज एक कंपोज डेवलप कर रहे हैं जो कि जो सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी को कैटर करेगा और साथ साथ हम एक वी आर ट्राइंग टू टेक इंडस्ट्री ऑल्सो ऑन बोर्ड और हम एक प्लेसमेंट सेल भी अपने यहाँ एनआईएस में हम लोगों ने बनाने का हम लोगों ने किया है जो बहुत जल्द एक प्लेसमेंट सेल होगा और हम लोग इंडस्ट्री को भी लेके आने का कोशिश करेंगे और सॉफ्ट स्किल्स पे और एम्प्लॉयबिलिटी पे और साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या टूरिज्म सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्कोप नजर आता है तो हम उधर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी हम लेके साथ आए और साथ लेके चले। तो ये एक छोटा सा प्रयास था जो एनआईएस कर रहा है और आने वाले समय में हम लोग और भी चेष्टा करेंगे कि लक्ष्य हो गया कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है मूक और बधिर छात्र तक हम पहुंच सके।
बिल्कुल। और यहाँ पर आपने जो इंडस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट की बात की है, आपने एक सभी के लिए समान अवसर की जब हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र की आपने बात की, ये वाकई में काबिले तारीफ़ है। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम सभी का ध्यान होना भी चाहिए। हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रबोध सेठ, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में और डायरेक्टर हैं इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप यहाँ आए हैं, ISLRTC का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वी आर हैविंग दिस डिस्कशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज इंडियन साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड बाय पर्संस विद हियरिंग डिसेबिलिटीज एंड दिस इज अ लैंग्वेज व्हिच यूजेस फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स to communicate with other persons. And it is not only gestures, it is much more than that because it is as complicated as any other language, having grammar and full vocabulary. So it's a full-fledged language and basically it uses the expressions and hand and body movement. बिल्कुल। सर यहाँ पर एक और चीज़, ISLRTC का आप जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब इसकी स्थापना हुई तो क्या विजन था और हम कहाँ तक उसे अचीव कर पाए हैं और आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, ताकि हम सबको साथ लेकर चलने की जो बात कर रहे हैं, जैसा भी राजीव जी ने भी कहा कि उनके जो प्रयास हैं वो जारी हैं, ISLRTC के ऐसे प्रयासों से हम अवगत कराएं। जी इनफैक्ट हमारा जो मैं आपको राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो हमारा 2016 का है उसके विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा। दी फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द RPWD एक्ट इज़ टू मेक एनवायरनमेंट एक्सेसिबल फॉर पर्सन्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। नाउ फॉर पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट एक्सेसिबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू साइन लैंग्वेज। सो विद दिस विजन इन माइंड the Indian Sign Language Research and Training Center was set up in order to make environment accessible for persons with hearing impairment, and the main objective is educate people, to pursue research in the area of sign language, and also to do capacity building. And to this for doing this, the institute has is running two courses. One is Diploma in Sign Language Interpretation, that is DISLI, and the second one is Diploma in Teaching Indian Sign Language, DTISL. Apart from these achievements, the center has also come up with a dictionary of 10,000 words and expressions, and these words and expressions in fact have been converted into sign language. Another very important achievement of the Indian Sign Language Research and Training Center is the development of memorandum of understanding which was signed between NCERT and ISLRTC, as per which the NCERT textbooks of classes 1 to 12 have to be converted into Indian Sign Language. It has attained the first stage in the sense that books of classes 1 to 5 have already been converted into Indian Sign Language, and they have been launched today by the Honorable Minister of Social Justice and Empowerment. बिल्कुल, ये मील का पत्थर है दिन जब इतना कुछ भारतीय साइन लैंग्वेज की आप जब बात कर रहे हैं। हम आज ये कह सकते हैं कि आज सांकेतिक भाषा दिवस है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय है या हमारा है, मुझे लग रहा है इसमें इस और भी एक प्रयास हमारा बढ़ रहा है। सर ऑन बिहाफ ऑफ NCERT, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एज आई नो वी हैव साइंड MOU बिटवीन NCERT एंड ISLRTC, सो व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव रोल्स इन दैट MOU, उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोगों को भी मालूम हो और हमारे जो प्रयास है वो उससे उनके बारे में वो जान सकें। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट MOU which has been signed between ISLRTC and NCERT.
as per which, as I mentioned earlier, NCERT books of classes 1 to 12 have to be converted into Indian Sign Language. While ISLRTC is providing the services of interpreters and signers, on the other hand, the graphics, the recording, all these things, in fact, are the responsibility of NCERT. Actually, it's a symbiotic relationship between the two, as a result of which we have already been able to convert NCERT books of classes 1 to 5 into Indian Sign Language. I would like to tell you that 490 videos have been prepared for converting these NCERT books of classes 1 to 5 into Indian Sign Language. राइट बिल्कुल, ये जो 490 का आंकड़ा है ये हम लोगों ने छू लिया है और बहुत जल्द हम अपने 500 इसमें पूरे करने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों की और बात है, फिर ये सारे जो कंटेंट है आप सबके लिए अवेलेबल जैसे हमेशा रहते हैं YouTube के माध्यम से, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सर एक और बात, आप बीच में मैं रोकूंगी जी प्लीज, यहां पर ये जो कंटेंट हमारा 490 वीडियोस का है, ऑल दिस इज अवेलेबल ऑन दीक्षा पोर्टल एज ऑफ नाउ। ओके चलिए, तो यहाँ पर आप जो इस प्रकार के हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनसे भी आप यहाँ रूबरू होते हैं। एंड जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड, दिस दीज वीडियोस विल आल्सो बी अवेलेबल वेरी सून ऑन द वेबसाइट ऑफ आवर डिपार्टमेंट एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन www.disabilityaffairs.gov.in एंड आल्सो ऑन www.islrtc.gov.in. That is both on the website of ISLRTC as well as the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you for letting us know, sir. और आपने जैसे translation की भी बात की थी, and I know this is the translation, you know, which is done within a year. It is a record time achievement, and I must say, तो जो लोग इस पूरे काम में जुड़े हुए हैं वो वाकई बधाई के पात्र हैं। तो what kind of manpower was involved in this translation work जिसकी अभी आपने बात की थी? इस translation work में हमारे signers, हमारे interpreters, इन सभी का बहुत important role था। And not only those, हमारे जो assistant professors भी हैं, they have also been working along with these interpreters and signers. So it is actually a combined effort of the entire ISLRTC team. बिल्कुल, यहाँ पर सर ने ये बात कहा कि सभी का इसमें योगदान है, और चाहे वो इंटरप्रेटर्स हों या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं या उनके और ऊपर उनके साथ। सर लेट अस मूव अहेड, हमारे पास समय की अपनी मर्यादाएं हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ISL ई कंटेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन? जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, देन बेसिकली द एजुकेशन शुड बी फॉर एवरीबडी, इंक्लूसिव फॉर पर्सन्स विद ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज and persons with hearing disabilities, they also constitute one category of persons with disabilities. So in order to make education inclusive, in order to enable persons with hearing and speech impairment to study and to read these books and whatever material is important and relevant for them, it is important that they are able to understand and appreciate what is mentioned there in those textbooks. And for that, these books have to be converted into Indian Sign Language. So if in order to make education inclusive for persons with hearing and speech impairment, it is of paramount importance that these books are converted into Indian Sign Language so that all persons with hearing impairment, hearing and speech impairment are able to make the most of it. राइट, यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं, और ये भी एक बात यहाँ पर कही जाती है कि विदाउट साइन लैंग्वेज डेफ पीपल आर नॉट इक्वल। और यहाँ पर अभी प्रमोद सर से आप सब ने ये जाना कि कैसे उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारे ये सब प्रयास जारी हैं, और आज जो लॉन्च हुआ है वो इसी बात का द्योतक है कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट हाउ विल द प्रोजेक्ट लीड टू अ चेंज इन द एजुकेशन ऑफ डेफ स्टूडेंट्स, बेनिफिट द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स? This will in fact transform the education for persons with hearing and speech impairment. Up till now, persons with hearing and speech impairment find it very difficult to get education. Now, once these NCERT books of classes 1 to 12 are converted into Indian Sign Language, because NCERT books are very, very important and basic. If NCERT books of these classes are available in Indian Sign Language, then it means
the primary and secondary education is take off for persons with hearing impairment is taken care of to a considerable extent, because these children with hearing and speech impairment will be able to study various subjects, whether it is Hindi, English, science, social studies, mathematics, through these sign language videos, and will enable them to excel. Something, in fact, which is very difficult for them in the absence of such sort of educational material. Right. So I think it is going to be a very, very important development insofar as persons with hearing and speech impairments is concerned. So we can say that these material will be accessible by all the students and teachers as well, those who are looking for the solutions, for the opportunities to serve the society. Yeah, sure. And this material will be available free of cost. We mentioned three websites where it will be available. So any children with hearing and speech impairment can access this material through this website free of cost. So actually it will be accessible in the real sense of the term, because no cost is involved in accessing this material. राइट और यहाँ पर जब ये सर ने बात यहाँ पर जोड़ी कि एंटायर मटेरियल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स करने हैं जस्ट टू गेट एक्सेस, जो आप प्रयास अपने आसानी से कर सकते हैं और उन लोगों तक अपने प्रयास पहुँचा सकते हैं जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. सर, ये जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके बारे में हमने जाना एंड द डिटेल्स विच यू आर प्रोवाइडिंग अस, इन सब के बारे में जानने के बाद मैं ये और बस आपसे जानना चाहूँगा कि वॉट आर द फ्यूचर प्लान्स, वॉट नेक्स्ट फॉर दिस फॉर सम अदर प्रोजेक्ट जो ISLRTC कर रहा है, उससे आप हमें और अवगत कराएं. एक तो रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकों को साइन लैंग्वेज में अनुवाद किया है. जी. अब हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो ज़्यादा नंबर में हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कन्वर्ट करेंगे इंडियन साइन लैंग्वेज में, जिससे कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुगम्य और सुलभ बनाई जा सके. इसके अलावा हमारे कई और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं. एक प्रोजेक्ट हमारा डेफ NP प्रोजेक्ट है, जो अभी पायलट फेज़ में है, अभी 3 स्टेट्स में उसे इंट्रोड्यूस किया है, जो कि केयर गिवर्स और पेरेंट्स के लिए है, उनकी जागरूकता के लिए है. तो ये प्रोजेक्ट भी हम एक बार पायलट की इवेल्युएशन स्टडी कर रहे हैं, और इवेल्युएशन स्टडी होने के बाद हम इसको पूरे कंट्री में इसको इस प्रोजेक्ट को ले जाएंगे, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड नेचुरली ऑल्सो फॉर पर्सन्स विद हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट. इसके अलावा वील ऑल्सो एक्सप्लोर द स्कोप ऑफ एडिंग मोर वर्ड्स टू आर डिक्शनरी विच इज़ ऑलरेडी 10,000 words. बेस्ड ऑन द डिमांड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर वर्ड्स टू इट, सो दैट द लाइफ ऑफ पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट बिकम्स मोर ईजियर एंड मोर एक्सेसिबल. In addition to this, there are a number of other projects. As I mentioned earlier, 2 courses are being conducted by ISLRTC. One is the Diploma in Sign Language Interpretation, that is DISLI, and the second one is Diploma in Teaching Indian Sign Language, that is DTISL. We will also explore the possibility of having more batches in these courses, so that we come out with more and more interpreters, and we also come out with more and more deaf people who will then be used for teaching people in Indian Sign Language. In addition to that, we are covering various programs of different ministries and converting those into Indian Sign Language through our sign language interpreters. We want to expand that the scope of that area as well, so that all different programs of ministries and institutions and other establishments are also transmitted to persons with hearing and speech impairment in a very accessible manner. थैंक यू सर. और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो आपने बताई वो ये कि जो डिक्शनरी की बात आपने की, हम सब जानते हैं कि लैक ऑफ वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम था, और उसके अलावा में देर इज़ नो सिंटेक्स. तो इन सब बातों की जो मुश्किलात थी, मुझे लग रहा है उनको आसान बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, और ये प्रयास फलीभूत होंगे, लेकिन उसमें कुछ समय जो लगता है. सर, बस आपका थोड़ा सा समय और लेंगे, और आप यहाँ पर अपना क्या संदेश आज इस विशेष दिवस पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे, जो इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए है और इंडियन साइन लैंग्वेज वाले लोगों के लिए है, और मुझे लगता है ये सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो हम ही में से एक हैं, वो हम में से अलग नहीं है, तो सबके लिए एक समतामूलक क्या आप अपना संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश
सभी दिव्यांगजनों के लिए है, और जब हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं तो जो श्रवण बाधित लोग होते हैं, जैसे जो हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट वाले लोग होते हैं, वो उनको भी अप्लाई करता है। हमारा ये मुख्य ध्येय है कि हम जो बाहरी वातावरण है जिसकी वजह से उनकी बहुत हद तक उनकी दिव्यांगता होती है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, उसे सुगम में बनाना चाहते हैं, और साइन लैंग्वेज का बढ़ावा दिशा में एक हमारा ठोस कदम है। साइन लैंग्वेज को हम और बढ़ावा देंगे जिससे जो हमारे जो श्रवण बाधित जो लोग हैं उनका जो बाहरी वातावरण है वो सुगम में हो सके और वह कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में हिस्सा लें और देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दें। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है कि उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही मायने रखता है जितना हम सबका है, और हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपने अपना ये समय दिया और इतनी सारी बातों से हमको अवगत कराया, ISLRTC के प्रयासों से अवगत कराया, और जो भी हमने अब तक बना लिया है उससे आपने अवगत कराया। बहरहाल हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ डॉक्टर भारती भी यहाँ मौजूद हैं। तो आपसे मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग की, और इसके अलावा रिसर्च हमारी हो ही रही है, वी कंडक्ट रिसर्च, सो हाउ बेनिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ UDL बेस्ड करिकुलम एंड कॉन्टेंट बेस्ड ISL ऑडियो वीडियो प्रोग्राम विच वी डू ऑन अ डेली बेसिस? या डेफिनेटली इट्स हाईली सिग्निफिकेंट एज एज सर हैज ऑल्सो मैंशनड दैट दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रू इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट इन टू आर एजुकेशन सिस्टम। और इसके साथ ही जब आप टीम वर्क की बात कर रहे थे, तो ISLRTC ने हमें साइनर्स दिए, इंटरप्रेटर्स दिए और अकेडमिक एक्सपर्टीज भी थी, लेकिन जब हम टेक्स्ट बुक्स बनाने की बात करते हैं, दैट टू एक्सेसिबल टेक्स्ट बुक्स विच आर इन साइन लैंग्वेज एंड विच आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, सो वी रिक्वायर टू काइंड ऑफ एक्सपर्टीज। फर्स्ट एक्सपर्टीज ऑफ कोर्स वुड बी इन ISL, एंड सेकेंड एक्सपर्टीज हमें चाहिए जो कंटेंट की है, बिकॉज ISL एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इज स्टिल इवॉल्विंग, एंड जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज सर हैज़ ऑल्सो मैंशनड, इट्स अ डायनेमिक लैंग्वेज विच हैज़ इट्स ओन ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। सो वेन वी वर As a team, we sat down to work on translation of textbooks into ISL. We required many conceptual clarity. So therein came the expertise of NCERT, which was in curriculum development and in development of teaching learning material and other support material which are needed for teaching learning in an inclusive environment. So when I'm saying universal design of learning, it indicates that whatever digital content or whatever content we are preparing is useful equally for all children sitting in the classroom, whether they have disability or challenges or whether they are so-called learners without disabilities. In these videos, we have, of course, Indian Sign Language videos. We have textbook PDF with highlighted text, and we also have audio. So people like me who do not know sign language very well, they can also interact with these textbooks. So these textbooks, these digitally produced textbooks in ISL, they will act as a resource for social inclusion also. Because if Rahul, you open your Braille textbook and I open my normal printed textbook, so that also creates a sense of alienation between you and me, because you are reading through dots and I am reading through print. Yes. So if the entire class is engaging into a lesson through a video which has both video, audio and print, so the whole class is engaged in one kind of resource, and that promotes social inclusion also, and this is quite important. बिल्कुल, यहाँ पर जो booklet आपने एक उदाहरण दिया, ये वाकई में दोनों के लिए समान होना चाहिए और यहाँ पर कोई contradiction नहीं होना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि एक जो स्कूल का एक साधारण सा जो environment है वो जब सकारात्मक हो जाएगा तो आगे आने वाले समय में जब वो बच्चे बड़े होंगे या वो जो टीचर जो पठन पाठन के कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत सुगमता हो जाएगी, क्योंकि उन बच्चों के बड़े होने के बाद जब प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करनी होती हैं वो संभवतः कम होती चली जाएंगी, और शुरुआत में ही हम ऐसा कर रहे हैं। स्कूल लर्निंग के हम खास तौर पर यहाँ बात कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन भारती मैम फॉर यू इज, व्हाट काइंड ऑफ प्रीरिक्विजिट्स हैव बीन टेकन इन द कंसर्न ऑफ ऑर्डर टू बिल्ड इन द वीडियो प्रोग्राम?
जैसे हमारे साथ अभी NIOS से राजीव सर भी जुड़े हुए हैं, तो ये जो पूरी टीम्स हैं जो अलग अलग जगह बैठ करके काम कर रही हैं, हम सब ने इकट्ठे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग तो किया ही, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स यही थी, सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स की कि क्या क्या हमें चाहिए। तो जैसे ISLRTC से भी हमें ह्यूमन रिसोर्स मिला, कंटेंट की एक्सपर्टीज़ हमारी अपनी भी है जहाँ तक टेक्स्ट बुक्स की बात है, और NIOS का भी जो मटीरियल जो वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की एक्सपर्टीज़ और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया। अब अगर मैं यही जो हमारी आज टेक्स्ट बुक्स लॉन्च हुई हैं क्लास 1 to 5 की, जिसमें 490 वीडियो हैं, लेसन बेस्ड हैं, 20 टेक्स्ट बुक्स हैं जिनका हमने लॉन्चिंग किया है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही लगा कि इनका ऑडियो अवेलेबल हो, फिर इनका हमें मैपिंग करना था, तो एक रिहर्सल बकायदा हुई साइनर्स के साथ में, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स के साथ में, साइन लिंग्विस्ट एक्सपर्ट्स के साथ में। फिर जब रिकॉर्डिंग की बात आई तो एक सेंसिटिविटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था प्रोडक्शन टीम के साथ भी, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज टेक्स्ट बुक्स मैक्सिमम ऑफ माई प्रोडक्शन टीम हैज़ लर्न द साइन लैंग्वेज, जिनको शुरू में बिल्कुल कुछ नहीं आता था, दे हैव नाउ रीच द स्टेज कि वो आज साइन लैंग्वेज में कन्वर्स करते हैं, दो विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, जस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज टेक्स्ट बुक्स दे हैव लर्न इट। आप सबके इन प्रयासों के लिए मैं कुछ करता हूँ। दिस इज वॉट This is clap in sign language, so, right, Rahul? ये मैंने सीख लिया है और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ऐड किया। और वाकई में एक अनुभव यदि मैं आपको आपके साथ साझा करूँ, मैं बहुत सारे ऐसे शोज करता हूँ जो ISL के होते हैं, वहाँ पर आप ये जब जानेंगे कि साइन लैंग्वेज में कैसे कैसे आप चीज़ों को इंटरप्रीट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। और महज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की यदि मैं बात करूँ, तो कुछ समय पहले का एक डेटा है कि जब 72 मिलियन लोग जो है दुनिया में थे जिनको कि साइन लैंग्वेज की ज़रूरत थी, जो इस्तेमाल करते थे, उसमें से तकरीबन 1.8 to 7 मिलियन के आसपास भारत में। ये थोड़ा पुराना डेटा भी है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। तो उन सब तक ये चीज़ें पहुंचाने के लिए हमारे पास जहां कुछ एक्सेसिबल चीज़ें हैं, हम आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रयास हमें करना होगा ताकि हम उन्हें वो मौके दे सकें जिनके वो हकदार हैं और उन तक वो पहुंचेंगे। ऐसे प्रयास हमारे सभी जो है विभाग मंत्रालयों के द्वारा जारी हैं। बहरहाल आपने ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई। राजीव सर, यहाँ पर आपके साथ भी मैं एक बार पुनः जुड़ना चाहूँगा। आपने जैसा कि बताया था कि वीडियो कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप अभी कई और जो है राज्यों में अपने कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उनकी विस्तार पूर्वक यदि आप योजना हमें बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जो फ्यूचर प्लान्स हैं NIOS के उनके बारे में जान सकें। जी धन्यवाद राहुल जी, जैसा प्रबोध सर ने भी बताया और भारती मैम ने बहुत अच्छे ढंग से हम सबको समझाया है, बताया है। देखिए, तीन बड़े इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं एक लर्निंग को इंश्योर करने के लिए। एक पहला जो हमारा लर्निंग कंटेंट है वो लर्निंग कंटेंट एक्सेसिबल हो। तो हमने जब लर्निंग कंटेंट को जब हमने एक्सेसिबल बना दिया है, फिर उसके बाद वो जो लर्निंग कंटेंट है वो लर्निंग कंटेंट को किस तरह से हम ट्रांजेक्ट करें, जो श्रवण बाधित जो हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं उन तक हम किस तरह से उस लर्निंग कंटेंट को ट्रांजेक्शन करें, वो एक दूसरा पहलू है। और जो तीसरा जो सबसे अहम पहलू है जिसपे मुझे लगता है अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है, वो ये है कि आप असेसमेंट कैसे करेंगे। आपने जब लर्निंग कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी आपने इंश्योर कर दी, आपने लर्निंग कंटेंट को JD ऑफिस में छोड़ दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी जी अपने लर्निंग कंटेंट को जब आपने एक्सेसिबल होना इंश्योर कर दिया, फिर आप उसको ट्रांजेक्ट करेंगे। तो जब आप ट्रांजेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको किस ढंग से ट्रांजेक्ट करेंगे और वो ट्रांजेक्शन का रूप और स्वरूप क्या होगा, उस पर भी कार्य करने का जरूरत है। और फिर तीसरा जो आप असेसमेंट कैसे करेंगे, तो NIOS ने अभी एक वर्चुअल स्कूल का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। उस वर्चुअल स्कूल प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रयास होगा कि जितने भी हमारे कंटेंट हैं वो सारे कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी उस वर्चुअल स्कूल प्लेटफॉर्म पे हो। उसके बाद हम उस वर्चुअल स्कूल प्लेटफॉर्म से हम लाइव भी जाएंगे, जो हमारे जो कंटेंट है जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है उसको हम लाइव लेके जाएंगे, जिसमें कई सारे विषय होंगे।
उसके साथ साथ ही हम असेसमेंट का भी प्रोविजन करने जा रहे हैं कि मान लीजिए एक श्रवण बाधित छात्र है, वो सुदूर भारत के किसी एक क्षेत्र में बैठा हुआ है, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़ेगा, रिमोट प्रॉक्टरिंग के थ्रू वो बच्चा परीक्षा देगा और बच्चा सांकेतिक भाषा में ही प्रश्न पहुंचेगा थ्रू दैट वर्चुअल प्लेटफॉर्म, और फिर वो बच्चा सांकेतिक भाषा में ही उत्तर देगा। एक आईटी गैजेट होगा, वो गैजेट उसको कैप्चर करेगा और वो कैप्चर करने के बाद वो हमारे यहाँ पे सर्वर पे आएगा और फिर हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये एक तीसरा प्रयास है जो असेसमेंट का है, जो एनआईएस करने जा रहा है, और हम अगले जो हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन होगा उस पब्लिक एग्जामिनेशन में हम साइन लैंग्वेज में ही असेसमेंट करेंगे, साइन लैंग्वेज में ही क्वेश्चन जाएगा और साइन लैंग्वेज में ही उत्तर आएगा, और उसके लिए बच्चे को एक विद इन द फोर वॉल ऑफ क्लासरूम आके परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगा, वो भारत के किसी भी सुदूर क्षेत्र में बैठा हुआ है वो अपना असेसमेंट बच्चा करवा सकता है। ये हम लोग एक प्रयास करेंगे। दूसरा जो प्रयास है, और ये यक्ष प्रश्न भी है, जितने भी आज अगर श्रवण बाधित जो हमारे श्रोतागण हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, देखिए काफी कुछ करना है। जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, चाहे वो एडुकेशनल कॉल सेंटर्स हो या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे उनके सुनने वाला कोई नहीं है, ना माध्यम है, ना उनके नेटिव लैंग्वेज में कोई सुनने वाला है, ना बोलने वाला है। हम लोग उस दिशा में भी प्रयासरत हैं कि किस तरह से उनकी बात ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं तक पहुंचे, और जो जिज्ञासा है उन जिज्ञासाओं को, जो कौतूहल है उनके मन में, उन जिज्ञासा को किस तरह से एड्रेस किया जाए, उस बारे में भी एक एनआईएस एक प्रयास करेगा। राहुल जी बहुत अच्छा जो आप कह रहे थे, एक जो समता मूलक, एक जो समाज की परिकल्पना हो, उस परिकल्पना की जो परिपाटी हो, उस परिपाटी में शैक्षणिक गतिविधियां तो हो ही हो, इसमें कोई संदेह और शक शुभ की बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो जैसा प्रबोध सेठ कह रहे थे, जो केयर गिवर्स हैं, एक ज्ञान हो, भारतीय सांकेतिक भाषा का एक बेसिक नॉलेज तो हो ही, जिसके कारण वो संवाद कर सके अपने बच्चों के साथ या समाज में वो संवाद कर सके भारतीय सांकेतिक भाषा में। तो ये सारे प्रयास हैं जिसको करने की जरूरत है, और मैं आप सबके सामने मैं आश्वस्त करना चाहूंगा समस्त एनआईएस के परिवार की तरफ से कि जो हमारी टीम है, जो हमारे जो सुकान जी हैं और जितनी हमारी टीम है, वो बड़े प्रयत्नशील हैं और ये प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम जो एनआईएस का जो लाभ है, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, लाभार्थी हैं, उन तक हम पहुंचा सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपकी टीम वाकई में जो है बधाई की पात्र है, और आपने जो एक उदाहरण दिया कि रिमोट लोकेशन से बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे एग्जामिनेशन में, दे कैन अपीयर और दे कैन हैव असेसमेंट्स रिमोटली, और वो भी साइन लैंग्वेज में, तो मुझे लग रहा है वो एक प्रयास यहाँ पर ज़रूर समतामूलक होगा, और यहाँ पर फिर उसे एक अलग से कोई पहचान नहीं दी जाएगी, ये सबसे ज़्यादा बेहतर जानने वाली बात है। आपके इन प्रयासों को हमारा सलाम। Let us move forward in this session. Dr. Bharti, we have a question for you, that by when, Abhi Prabodh sir has, let us know that now we have some translation from class 6 to class 12, jo hamari textbooks hain. So by when can we consider this second phase of books which needed to be made in the ISL for class 6 to 12? Rahul, sawal jitna saral hai, uska uttar utna hi mushkil hone wala hai. क्योंकि क्लास 1-5 तक हमारा टेक्स्ट बुक्स का नंबर भी कम था, बिल्कुल, सब्जेक्ट्स भी हमारे थोड़े कम थे जी, और विषय वस्तु थोड़ी सी सरल थी। अब 6 ऑनवर्ड्स में क्या होता है, कंटेंट भी हमारा थोड़ा जटिल हो जाता है, टेंजिबल से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन सेकेंड फेज में हम करने वाले हैं 6-8 तक की टेक्स्ट बुक पहले, और उसके साथ साथ ही साइमल्टेनियसली कोशिश रहेगी कि 9-10 की रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाए। सो अगर हमने विद इन 9 क्लास 1-5 की टेक्स्ट बुक्स कर ली है, तो लगभग इतना ही समय तो हमें 6-8 की टेक्स्ट बुक्स में भी लगने वाला है। और साथ में ये भी समझना जरूरी है कि 6-8 की टेक्स्ट बुक में समय इसलिए भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि अब मैथमेटिक्स भी जटिल हो जाएगा, उसमें भी एब्स्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, तो हमें सोचना पड़ेगा
लीनियर इक्वेशंस हम किस तरह से समझाएंगे, या हम एटम का कॉन्सेप्ट से साइंस में, या हमारा इतिहास भी थोड़ा जटिल हो जाएगा, उसमें भी फैलाव आएगा, हम भारत एशिया से निकल के हम वर्ल्ड की भी बात करेंगे, फिर हम ज्योग्राफी की भी बात करेंगे, हम सिविक्स की भी बात करेंगे, तो सब्जेक्ट्स में भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, तो उसी के हिसाब से हमारी जो साइंस स्क्रिप्ट है उसमें भी थोड़ा सा जटिलता आएगी, उसमें भी प्री प्रिपरेशन की आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है। और ये आपके सवाल का भाग नहीं है जो मैं बोलने वाली हूँ, बट दिस इज गिवन मी क्यू फ्रॉम राजीव जी ने जो कहा असेसमेंट को लेकर के। असेसमेंट जिस तरह से NIOS प्लान कर रहा है कि रिमोट में सवाल भी साइन लैंग्वेज में आ जाए और उत्तर भी साइन लैंग्वेज में आ जाए, कितना अच्छा हो अगर सारे राज्यों के परीक्षा बोर्ड इस पर सीरियसली सोच लें, गंभीरता से सोच लें, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बैरियर हम पार कर लेंगे और हम जिसको कहते हैं सही अर्थों में एक समतामूलक समावेशी समाज की ओर हम अपना एक सार्थक कदम उठा लें। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ये जो कदम है जब इनकी बात आती है तो जाहिर सी बात है जैसे आपने शिक्षा बोर्ड का यहाँ पर आपने जिक्र किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप सबको एक और परिचय करा दूँ, आप अभी हमारे साथ देख रहे हैं जो साइन लैंग्वेज की जो हमारी इंटरप्रेटर हैं वो चेंज हो गई हैं, मिस जी पुंगोथाई इज़ आर न्यू इंटरप्रेटर हैज़ जॉइंड अस इन दिस फ्रेम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, आप हमारे साथ जुड़ी। लेट अस मूव अहेड, अभी अभी कुछ और समय है, हमारे साथ राजीव सर भी अभी जुड़े हुए हैं, प्रबोध सर हैज़ लेफ्ट फॉर हिज़ प्रायर कमिटमेंट्स। सो भारती मैम, अभी हमने बात की क्लासरूम की, बुक्स टेक्स्ट बुक फ्रॉम क्लास 1 to 5, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 6 to 12 टेक्स्ट बुक, उसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, येस देयर इज़ समथिंग, क्योंकि जो कॉन्टेंट है वो बढ़ेगा, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, बट द थिंग इज वी नीड सम टीचर्स, ट्रेंड टीचर्स, सो हाउ मच प्रिपरेशन और टीचर ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू सेंसिटाइज द टीचर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस वर्क फ्लो। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए अगर टीचर को साइन लैंग्वेज आती है फिर तो हमारी आधी से ज़्यादा कठिनाई तो वैसे ही कम हो गई, क्योंकि आप संवाद साइन लैंग्वेज में आप इस्टैब्लिश कर सकते हो अपने छात्र से। लेकिन हो क्या रहा है, अगर मुझे समावेशी कक्षा में पढ़ाना है तो ऐसे शिक्षक राहुल क्या मुझसे अपेक्षाएं हैं कि क्या मुझे साइन लैंग्वेज आती हो, क्या मुझे ब्रेल भी आती हो, क्या मुझे पिक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन भी आता हो, या मुझे ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन के बारे में भी पता हो। आपको मालूम है हमारा जो निशक्त जन अधिकार 2016 है उसमें 21 तरह की हम अक्षमताओं और दिव्यांगताओं को पहचानते हैं। अब 21 तरह की दिव्यांगताओं को पहचानने का अर्थ क्या यह है कि मुझे पढ़ाना लिखाना 21 विविध प्रकार से करना है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं आवश्यकताओं में समानताएं ढूंढूं और मुझे ये पता है कि एक दिव्यांगता की जो आवश्यकता है वही आवश्यकता हो सकता है दूसरी दिव्यांगता वाले बच्चे को भी हो। तो आवश्यकता ये है, शिक्षक होने के नाते मुझे आवश्यकता पूर्ति पर ध्यान देना है कि मैं कैसे अपने बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हूँ, फिर वो चाहे साइन लैंग्वेज में हो या ब्रेल से संबंधित हो या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से रिलेटेड हो या जटिल विषय वस्तु के सरलीकरण से संबंधित हो। अब इसमें अगर एज ए टीचर मेरी ट्रेनिंग यह है कि मुझे आवश्यकताओं को पहचानना है, आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण अधिगम सामग्री में परिवर्तन करना है और फिर बच्चे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक मुझे पढ़ाना है, तो अगर इसमें मुझे ब्रेल आती है या साइन लैंग्वेज आती है तो निश्चित ही मेरा काम थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन अगर नहीं आती है तो काम असंभव नहीं है। तो अपेक्षित तो है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ समावेशी कक्षाओं में पढ़ा रही हूँ तो मुझे साइन लैंग्वेज भी आती हो या मुझे ब्रेल भी आती हो, लेकिन यह उस तरह की अनिवार्य ज़रूरत नहीं है या योग्यता नहीं है कि जिसके बिना मेरा समावेशी कक्षाओं में काम नहीं चलेगा। आज के दिन में भी, आज क्योंकि हम इस स्थिति में हैं कि हम क्लास 1 to 5 की टेक्स्ट बुक्स हमने साइन लैंग्वेज में बना करके आज लॉन्च की हैं, लेकिन आज से पहले क्या हो रहा था कक्षाओं में, क्या आज से पहले हमारे जितने भी लर्नर्स विद हियरिंग चैलेंजेस हैं क्या उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी? हो रही थी, और वो UDL बेस्ड पेडागॉजी प्रैक्टिसेस के माध्यम से हो रही थी जिसमें विजुअल
टीचिंग लर्निंग एड्स पर ज़्यादा ध्यान दे करके दृश्य सामग्री की सहायता से हम बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। तो उसमें हमारा एक अभी एक नया माध्यम जुड़ा है और टीचर ट्रेनिंग पर भी बहुत सारा काम चल रहा है। ISLRTC भी समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनाइज करती रहती है। ISL ने तो एक सब्जेक्ट, NIOS ने तो एक सब्जेक्ट की फॉर्म में ही ISL को इंट्रोड्यूस किया है जो सबके लिए ओपन है, और जल्दी ही NCERT का भी साइन लैंग्वेज पर एक ऑनलाइन कोर्स जो कि ब्लेंडेड मोड में होगा वो आने वाला है, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो टीचर ट्रेनिंग भी के लिए भी बहुत सारी संस्थाएं एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके काम कर रही हैं, और कुछ काम RCI की तरफ से भी आने वाला है जो हमारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जी चलिए, तो शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र की जब भी बात होती है तो NCERT हमेशा उसे लीड करता है, और जैसा आपने कहा कि अभी हमारा एक नया कोर्स भी आने वाला है, सो चलिए हम बहुत जल्द ऐसी आशा करेंगे कि वो आए और हमारे जो भी टीचर्स हैं जिनको कि हमें ट्रेनिंग देनी है और उन्हें आगे फर्दर उसको ट्रेन करना है टीचर्स को, ताकि हमारा जो ये एक ट्री है ये बहुत तेज़ी से बढ़े और बहुत ज़्यादा फलीभूत हो। वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लेट अस नो अबाउट द रिसर्च जो ISLRTC कर रहा है या हमने उनके साथ मिलकर की है, तो वट काइंड ऑफ रिसर्च वट दे डू और वट दे डिड, ताकि हमें उससे क्या मिला, हम उसके बारे में उसका आउटकम जान सकें, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, और इस रिसर्च में खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ NCERT और ISLRTC है, इस रिसर्च में NIOS भी शामिल है, RCI भी शामिल है, प्लस जो हमारे लोकल स्टेट लेवल के डेफ चैप्टर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनको भी साथ लेकर के चलने वाले हैं। सो पहला, इस रिसर्च के दो तीन डायमेंशंस हैं। पहली डायमेंशन तो यही है कि जो हमारी किताबें अभी हमने आज लॉन्च की हैं, 490 वीडियोस ऑफ 20 टेक्स्ट बुक्स, इनको हम अभी स्कूल्स तक लेकर के जाने वाले हैं, बोथ इंक्लूसिव स्कूल्स एंड स्कूल्स विच आर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, ताकि हमें फील्ड से भी रियालिटीज़ मिले। आपको पता है NEP 2020 के बाद अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे काम चल रहा है, उसके बाद फिर हमारी टेक्स्ट बुक में हो सकता है कुछ बदलाव हों, तो जब नई टेक्स्ट बुक्स बनेंगी तो ये जो हमारा अनुभव रहेगा जो हमें फील्ड से मिलेगा कि क्लास 1-5 की टेक्स्ट बुक का क्या रिसेप्शन रहा है इन बोथ इंक्लूसिव क्लासरूम में, क्योंकि हम कह तो रहे हैं कि हमने UDL बेस्ड बना दिया है, लेकिन क्या उसमें कुछ और भी चीज़ें हमें ऐड करने की ज़रूरत है, तो एक वो हमारी लर्निंग हो जाएगी फील्ड एक्सपीरियंसेस से। तो पहला डायमेंशन तो ये है रिसर्च का। दूसरा डायमेंशन है, जैसे NEP हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी कहा है कि मानकीकरण, किसी भी भाषा की वैसे है तो डायनेमिक स्वरूप बदलती रहती है, लेकिन फिर भी हर भाषा की तरह साइन लैंग्वेज का भी स्टैंडर्डाइजेशन की बात हमारी शिक्षा नीति में कही गई है। तो रिसर्च का एक डायमेंशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइन लैंग्वेज भी है, जिसके लिए NIOS भी काम कर रहा है और NCERT भी काम कर रही है, ISLRTC भी काम कर रही है, और अलग अलग संस्थाएं भी काम कर रही हैं, और लोकल जितने चैप्टर्स हैं हमारे डेफ ऑर्गेनाइजेशंस की, उन सबको साथ लेकर के एक संयुक्त प्रयास चल रहा है। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के। प्लस एक तीसरी चीज़ है, एक और रिसर्च का डायमेंशन जिस पे हम सभी को भी विचार करने की आवश्यकता है, वह है एग्जामिनेशंस इन साइन लैंग्वेज, या उसके और हम उसमें और कितने आयाम हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे NIOS से राजीव सर ने बताया हमें कि वो इस पर बहुत जल्दी वो अमल करने वाले हैं, तो क्या इसमें और जब तक हम इस चीज़ को फील्ड में नहीं लेकर के जाएंगे तब तक हमें इसके अनुभव नहीं मालूम होंगे, तो इसमें आप राजीव सर से भी पूछ सकते हैं उनके लेवल के। राजीव सर, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे ISL से जुड़े हुए? जैसा भारती मैम ने बताया है और NCERT अग्रणी बॉडी है जी। और बहुत सामंजस्य के साथ NIS है, NCERT है, LSRTC है, या जो डेफ चैप्टर्स हैं जो देश भर में हैं, उन सब का एक साझा प्रयास चल रहा है। और जो हम लोगों का जो ये ई असेसमेंट का जो हम लोग लेके आए हैं, उसका हम लोगों ने फील्ड ट्रायल भी किया है, और जहाँ तक जो अभी हमें जो आंशिक और जो प्रारंभिक जो रुझान मिला है या जो ज्ञान संज्ञान में आया है वो अच्छा वो प्रतीत हो रहा है। तो
तो अभी उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे लेके जाएं, तो उस पर कार्य चल रहा है। और मुझे लगता है कि उसमें जो कुछ इश्यूज हैं कि उनको हम जो आईटी पेरिफेरल्स हैं, जो आईटी गैजेट्स हैं, वो की अवेलेबिलिटी हम किस तरह से कराएं, वो एक मेजर इश्यू है। तो उस पर भी हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भारतीय सांकेतिक भाषा की जो दशा और जो दिशा है वो बहुत उज्ज्वल है, और जहाँ पे डॉक्टर भारती कौशिक मैम जैसी लोग हैं जो भारतीय सांकेतिक भाषा में रियली एनसीईआरटी बहुत प्रयासरत है, और एनआईएस भी अपना प्रयास अपना चेष्टा कर रहा है, और इस तरह की तमाम जितनी संस्थाएं हैं वो प्रयासरत हैं, और इस पे बहुत कार्य भी हुआ है। अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है जितना विगत पिछले 1-2 वर्षों में जितना भारतीय सांकेतिक भाषा में कार्य हुआ है, या जितनी सरकार संजीदा है या समाज संजीदा है, इतना शायद पहले नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में भारतीय सांकेतिक भाषा का भविष्य बहुत उज्ज्वल नजर आता है, और जिस तरह से प्रयास चल रहा है बहुत कुछ नए आयाम और मुकाम भारतीय सांकेतिक भाषा के रूप में इस देश में और समाज को मिलने जा रहा है। तो अनायस मैं आश्वस्त करता हूँ भारतीय कौशिक मैम को और ऐसी तमाम समस्त संस्थाओं को कि अनायस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, और जितना प्रयास बन सकेगा अनायस कहीं चुकेगा नहीं। धन्यवाद दरभोज। बिल्कुल, आपने कहा यहाँ पर कुछ आयाम और जो आपने मुकाम हासिल करने की बात की है उसमें ज़रूर हम सब भागीदार होंगे और हम सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे कि क्या हम उसके लिए बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास अब समय की अपनी सीमाएं हैं और हमारा ये सत्र भी जो है बस समाप्ति की ओर है। तो डॉक्टर भारती, वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू दैट हाउ बेनिफिशियल इज़ बिल्डिंग दी यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग बेस्ड ISL वीडियो प्रोग्राम विल बी फॉर द स्टैंडर्डाइजिंग द इंडियन साइन लैंग्वेज। देखिए, किसी भी भाषा के मानकीकरण के लिए आप जितना उस भाषा को उपयोग करेंगे उतना आप उसमें दक्ष और पारंगत होते हैं, और ये भाषा के लिए भी बहुत लाभदायक है क्योंकि उतना ही भाषा का ग्रामर, वोकैबलरी, नए शब्द गढ़ते हैं। अब संस्कृत क्यों आजकल इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि आजकल नए नए जैसे शब्द आए हैं। आप सोचिए कि कंप्यूटर को आप संस्कृत में क्या कहेंगे, या आप उसी तरह से लैपटॉप को क्या कहेंगे। अगर बोलचाल की भाषा में रहती तो कोई ना कोई शब्द हमने कंप्यूटर लैपटॉप के लिए भी संस्कृत में गढ़ लिया होता, जैसे हम हिंदी में करते आए हैं। अब भाषा अगर बोलचाल में, व्यवहार में रहेगी, जिसके लिए हमने टेक्स्ट बुक्स को UDL में बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टेक्स्ट बुक्स के इस्तेमाल से, जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन टीम ने भी साइन लैंग्वेज सीख ली है, तो अगर ये समावेशी कक्षाओं में इस्तेमाल होंगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें चाहे साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है भी कि नहीं है, वो भी इस भाषा को सीख करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड अब क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो सोच रहे होंगे कि अच्छा, मैं तो बोल सुन सकता हूँ तो मुझे सांकेतिक भाषा सीखने की क्या ज़रूरत है। एक छोटा सा उदाहरण, आप कहीं मेले में गए हैं, आपको बात करनी है, म्यूज़िक चल रहा है, पार्टी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे अपनी बात दूसरे तक पहुँचाएंगे, सांकेतिक भाषा से। या जब आप डाइविंग के लिए जाते हैं डीप सी में, तो आप किस उसमें बात करते हैं, तब भी आपको संकेतों की ज़रूरत होती है। और सांकेतिक भाषा सीख करके उसमें बातचीत करने का एक फायदा ये भी है कि अगर आपको अपनी बात किसी ऐसे व्यक्ति से छुपानी है जिसको नहीं आती है तो भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो बहुत बहुत ज़रूरी है, और जितनी ज़्यादा भाषाएं आप सीखते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी विद्वता, आपकी बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। बिल्कुल, यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वाई डू वी नीड टू नो, वी नीड टू लर्न दिस लैंग्वेज। और हम हमेशा, जैसे अभी उदाहरण जो दिया है भारती मैम ने, वो बिल्कुल सही है कि हम बचपन से ही ऐसा करते आ रहे होते हैं। घरों में भी हम अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ इशारों इशारों में बात करते हैं। जब हमें एक आम होता है और तीन लोगों में उसको डिवाइड करना होता है तो ये तय होता है कि कौन खाएगा, कौन इसको छुपाएगा, और ऐसे बहुत से काम जहाँ पर हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सर्वग्राही होनी चाहिए, वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इंडियन साइन लैंग्वेज की आज हम यहाँ बात कर रहे थे अपने इस सेशन में, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल इंडियन साइन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, और इम्प्लीमेंटेशन की जैसे आपने बात की NEP की, तो ये सारे प्रयास हमारी सभी टीमों के द्वारा अपने अपने
क्षेत्रों में जारी हैं और ये निर्बाध रूप से चलें, ऐसी हमारी आशा है। और इसमें जो भी प्रयासों में जिस किसी के भी योगदान की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर तत्पर हैं और सब अपना अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी, आप डायरेक्टर हैं अकेडमिक्स NIOS के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के। राजीव सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कौशिक मैम, आपको भी बहुत बहुत नमन और शुभकामनाएं मौका देने के लिए, ताकि हम सब आज एक साझा मंच पे आप सबके साथ जुड़ सर। प्लीज मुझे आभार मत दीजिए, क्योंकि ये संयुक्त प्रयास हैं, तो बिना आपके सहयोग के भी नहीं हो पाएंगे और बिना ISLRTC के सहयोग के भी नहीं हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और आपकी टीम को भी सर बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, जो आगामी आपने हमारे साथ योजना साझा की है उसके सफलतम परिणाम हमें मिले उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद राज, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ प्रबोध सर जुड़े थे, वो अपनी कुछ कमिटमेंट्स की वजह से यहाँ से जल्दी चले गए। बहरहाल, मैं हमारी जो इंटरप्रीटर्स थी मिस अनु गौतम और हमारे साथ मिस जी पुंगुथाई जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, इंटरप्रीटर की भूमिका आपने निभाई। और डॉक्टर भारती कौशिक जिनके प्रयासों से ये सारे काम हो पा रहे हैं और हमारा ये जो एक निरंतर प्रयास है, अथक प्रयास है, जो जारी है वो यूँ ही जारी रहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। मैं अपने सभी देखने वाले दर्शकों को ये बता दूं कि हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, आप इसको बाद में भी देख पाएंगे YouTube पर, और आप तमाम हमारे प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल्स पर इसे देख रहे थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, नमस्कार।